नमस्कार दोस्तों, जितिन टेक्नोलॉजिया में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे ओप्पो के F7 स्मार्टफोन के बारे में, जो कि इंडिया में लॉन्च हो गया है, और बताएंगे इसके प्राइस के बारे में और क्या क्या इसके स्पेसिफिकेशंस है उसके बारे में भी हम आपको डिटेल से बताएंगे। तो ओप्पो F7 स्मार्टफोन के सबसे पहले प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे, एक आपको 4GB रैम के साथ 64GB इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। इसके अलावा जो इसका दूसरा वेरिएंट है, इसमें आपको 6GB की रैम मिलेगी और यहाँ पे 128GB का स्टोरेज मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे जो 4GB रैम वाले का जो प्राइस है वो 21,990 रुपये है, जो इसका 6GB रैम का जो प्राइस है वो 26,990 रुपये रखा गया है। दोस्तों ये फोन आपको 9 अप्रैल से ऑफलाइन और ऑनलाइन मार्केट में मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे इंडिया के जो ओप्पो के ऑफिशियल स्टोर्स हैं उन पर भी ये फोन अवेलेबल होगा। दोस्तों यहाँ पे अब बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में। दोस्तों यहाँ पे ओप्पो F7 में आपको बहुत ही बड़ा डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अगर डिस्प्ले के साइज के बारे में बात करें तो आपको 6.23 इंच का एक फुल HD डिस्प्ले मिलता है, जो कि 19:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला डिस्प्ले दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे जो प्रोसेसर है वो इतना खास नहीं दिया गया है। अगर हम प्रोसेसर के बारे में बात करें तो आपको MediaTek का P60 प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि एक octa-core प्रोसेसर है। अभी इससे पहले 2-3 दिन पहले Vivo का V9 लॉन्च हुआ था, उसमें जो प्रोसेसर दिया गया था वो स्नैपड्रैगन का दिया गया था, जो कि काफी अच्छी परफॉर्मेंस देता है अगर कंपेयर करें इससे जो MediaTek का प्रोसेसर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे अगर इसके कैमरे के बारे में बात करें तो कैमरा आपको काफी धमाकेदार दिया जा रहा है। इसमें आपको जो फ्रंट कैमरा है, ये फ्रंट कैमरा आपको मिलता है 25 मेगापिक्सल का, और जो इसमें रियर कैमरा है वो आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का। अगर कैमरे के फीचर्स के बारे में बात करें तो आपको ब्यूटीफिकेशन मोड दिया गया है और कैमरा में बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं। दोस्तों इस फोन में जो बैटरी दी गई है वो इतनी खास नहीं दी गई है, लेकिन बैटरी जो है अच्छी ठीक ठाक दी गई है। इसमें आपको 3400 mAh की बैटरी मिल जाती है, जो कि ठीक ठाक ही दी गई है। दोस्तों यहाँ पे अगर जो फोन है इसमें मुझे एक दो चीजें पसंद नहीं आई है, इसका जो प्राइस है वो थोड़ा सा ज्यादा है, और मेरे अगर एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो थोड़ा सा प्राइस जो है इसका ज्यादा है, और जो इसका कैमरा और डिस्प्ले है वो तो अच्छा है, लेकिन जो प्रोसेसर है वो इतना खास नहीं दिया गया है। अगर प्रोसेसर स्नैपड्रैगन का देते तो काफी अच्छा फोन हो जाता है, और प्राइस जो है थोड़ी सी अगर कम रखते तो काफी एक कंपटीशन में काफी अच्छा फोन ये मार्केट में होता। तो मैं यही कहना चाहता हूँ इस वीडियो में। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत